भार को मूल सहित समाप्त करें, आप कृपा करें, हे मंत्रराज आप करुणा करें, बस इतना ही बोलना है आपने। और फिर चूंकि आपने अपना मंत्र चालू कर दिया है, जब कर दिया है, तो फिर सीमा देवी को पीछे हटा दें, थोड़ी और पीछे हट जाए, पीछे हटो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और 3 मिनट तक जय शनिदेव का जाप करो। अब हम मंत्र जाप करते हैं, हमने इतना काम कर दिया है विनियोग से, लेकिन विनियोग ये तभी कामयाब है जब आप मंत्र से देवता का दर्शन कर चुके हो, मंत्र से हजारों हजारों बार देव दर्शन कर चुके हो। सीमा आंखें खोलो, मेरी आंखों में देखो, क्या महसूस कर रहे हो, पूछो इनसे। अभी कैसे? हल्का क्यों हो गया? हमने आपको छुआ, हाथ लगाया, ठीक है, आपकी आंखों में देखा, बस देखने मात्र से आपके अंदर मंत्र दूत घुस गए, उसने अपना काम शुरू कर दिया, हमने आपके अंदर देव स्थापना को देख लिया और उस देव स्थापना के तेज से आपकी चीजें कम होने लगी। जब बेटे ठीक से देव स्थापना हो जाएगी तब क्या होगा, तब आपको कभी भी कष्ट नहीं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मनु भैया कभी बताते नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा ही जैसे आदमी सामने खड़ा है, जब आँख बंद करूँगा तो इसका पूरा स्वरूप मेरे सामने आएगा, पूरे स्वरूप में जहाँ जहाँ इसके कालस है वो मुझे दिखाई दे जाएगी कि यहाँ यहाँ इसके प्रेत बैठा हुआ है, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है। यही मंत्र जब है, यही आपकी शक्ति है, आप उस जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वहाँ से फौरन उठा देंगे और निकाल कर बाहर। अपने सत्य को कभी कोई बताता नहीं है, लेकिन मनु भैया ने छिपाना नहीं। आप सब सीख लो, मनु भैया को आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को परिपूर्ण कर लो, आत्म दर्शन करो, देव दर्शन करो, भगवत दर्शन करो, यही संसार की नियति है। इसके अलावा किसी झूठे के बरकलावे में कदापि न आवे, क्योंकि संसार आपको लूटने ठगने के लिए उपाय करता रहा है। बोलो जय शनिदेव। चलिए बाहर यज्ञ पे बैठिए, चलो घूम रहा है, घूमेगा जब जब वापिस छोटा हो जाएगा तत्व। इतनी बारीक बात भी आपको कोई बताने वाला नहीं है संसार, जब वापिस छोटा तत्व हो जाएगा घूमेगा तभी। छोटा तत्व का मतलब यह है कि जब आप बहुत बार आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी चीजें कट चुकी होती हैं, तब वो छोटी हो जाती है, तो वो घूमती रहती है। ठीक है, सीमा नाम गीता। हाजरी आएगी, पीछे गिरेगी, पीछे खड़ा होता है जब बहुत सारे तत्व आपके शरीर के अंदर घुसे होते हैं और आपको निकालते निकालते उनको समय लग गया होता है, तब वे छोटे भी जो है हाजरी ले सकते हैं। लेकिन हाजरी को बंद करें, देखिए हाजरी को बंद करें, केवल इतना दर्द देके इसको पकड़ते रहे और अपना जाप करते रहे तो हाजरी बंद हो जाएगी। समस्त संसार के भूत प्रेत निकालने वालों को तो सिखा ही रहा हूँ, उन लोगों को भी सिखा रहा हूँ जो अपने घर पे रहते हैं और जाप करते हैं, भजन करते हैं भगवान का। कितने दर्द से, अब आप बोलो, कान पकड़ो, चल कान पकड़ रहे, कान पकड़ लिए। ठीक, अब ये तत्व जो है अगर इसको ठीक से आज ही दबा दिया गया, यानी कि इतनी देर तक दबा दिया गया, हाथ में दर्द रह सकता है, मैं नहीं कहता एक दो दिन, लेकिन उस दर्द से ये दर्द जो है ज्यादा भयंकर है, खतरनाक है कि नहीं। किसने जिंदगी ली और जिससे एक दिन का दर्द मिले उसको ठीक करने में, तो आप एक दिन का दर्द लोगे, सारी जिंदगी का दर्द लोगे, बोलो। जबकि आपको पता है ये दुनिया में इसको कोई डॉक्टर ठीक करने वाला नहीं है, किसी साइंटिस्ट की हिम्मत नहीं है संसार में,
भक्त भी ये काम नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है हाजिरी कैसे रोकनी है, उनको पता ही नहीं है कि प्रेत रमा हुआ है और अगर इस बहन को दर्द होगा तो दर्द उसको भी होगा, और वो बांध ही नहीं सकते अपने मंत्र से शरीर में इस तरह प्रेत को ताकि इसका दर्द उसको महसूस हो, ठीक है ना। लेकिन प्रेत के तत्व को बांधा जा सकता है मंत्र से जो आपने जप किया। अगर आपने देव दर्शन किया है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन जप करते करते ही देव दर्शन भी होगा, बिना जप के तो देव दर्शन भी नहीं होगा। कम से कम स्वप्न में ही करो, वो भी बहुत बड़ी बात है। स्वप्न में भी कितने लोगों को दर्शन होते हैं भगवान के, कितने लोग सोते हैं रोजाना और कितने दर्शन करके आते हैं। सबको तो ऊटपटांग दर्शन होते ही है कि नहीं होते हैं। चलिए बाहर एक पे बैठिए, चलो कोई बताता नहीं है और मैं मूल को अब आपसे छिपाने वाला हूं नहीं। इससे अच्छा यहाँ लोग सीख सीख के जाएं, ऊटपटांग काम करें, आपको ठगे, आपको लूटे कहीं बैठ के। इससे अच्छा ये है कि सभी लोग अपना काम अपने आप ही कर लें और बहुत सारे लोग घर पे बैठ के ही ठीक हो जाए। चलिए विभूति पांच बार गिरेगा भाई, इसको कौन संभालेगा, अनिल इसके पीछे खड़ा है, आंखों में देख। डलवाओ 11-11 लोगों से, ठीक है ना, जिनकी हो जाए उनको दीपदान करके भेजते रहो, उसको लगा लो, क्या कहते हैं। सदा के लिए इन सब चीजों से बाहर आ जाए, भारत के युवा हो, है ना, अपनी पीढ़ी की संभाल करनी है। तो अब मैंने तुम्हें एक मंत्र दिया है, वो तुम्हें याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा, फिर 3-4 दिन मेरे साथ यहाँ बैठ के यज्ञ करना, ठीक हो जाओगे सदा के लिए। चलो अगला